हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहेगी वो है राजस्थान के जयपुर जंक्शन से दिल्ली के दिल्ली सराय रोहिला के बीच चलने वाली 12985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिला एसी डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, यह रोजाना चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की डबल डेकर ट्रेन है और इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है। दोस्तों, यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिला की कुल दूरी 304 किलोमीटर को करीबन 68 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से अपनी यात्रा 4 घंटे और 25 मिनट में तय करती है। दोस्तों, इस ट्रेन का जयपुर जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिला के बीच 4 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को जयपुर से दिल्ली सराय रोहिला तक गाजियाबाद लोको सेट का वेव 7 या वेव 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में लगने वाले कोचेज की, तो इस ट्रेन में डबल डेकर श्रेणी के कोच रहते हैं, जिनमें एसी चेयर कार एवं एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के जयपुर जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिला तक के किराए की, तो इस ट्रेन का एसी चेयर कार का किराया रहता है 490 रुपये, तो वहीं एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया रहता है 1165 रुपये। दोस्तों, यह अपडेटेड किराया नहीं है, क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है, इसलिए अपडेटेड किराया और किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिला एसी डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना जयपुर जंक्शन से सुबह में 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। दोस्तों, यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है अपने पहले ठहराव गांधीनगर जयपुर सुबह में 6:07 पे, और 3 मिनट ठहराव लेने के बाद 6:10 में यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव अलवर जंक्शन सुबह में 7:40 पे, और 3 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:43 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है गुड़गांव, सुबह में 9:36 में यहां पहुंचती है, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:38 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज दिल्ली कैंट सुबह में 9:53 पे, और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:55 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज दिल्ली सराय रोहिला सुबह में 10:25 पे, और यहां तक 304 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों, यह थी 12985 जयपुर दिल्ली सराय रोहिला एसी डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।